हाय गाइस, वेलकम बैक. ओहो, वेलकम बैक टू माय चैनल. टिया भी है मेरे साथ. हाय टिया. हाय टिया, से हाय. तो टिया के साथ हम खेलने आए हैं यहाँ पे नीचे सोसाइटी में. और मेरे डिलीवरी को 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं. तो अभी 6 वीक्स हो चुके हैं. सिक्स वीक्स के बाद मेरे डॉक्टर ने वॉक के लिए मुझे सजेस्ट किया था, फॉर द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ. क्योंकि जब आपका डिलीवरी हो जाता है तो पोस्टपार्टम बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसके वजह से थोड़ा सा ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता और आप बहुत ज़्यादा यू नो सैड हैप्पी सा फील करते हो. बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होता है. उसके लिए फ्रेश एयर लेने बोला था. मॉर्निंग में नहीं हो पाता, रात भर नींद नहीं पूरी होती, तो सोचा इवनिंग में ही करूं. बट आज मेरा थोड़ा शॉपिंग पे जाने का मन कर रहा है. जैसे पहले मैं जाती थी टिया के साथ, तो बस आज देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या लेते हैं सब कुछ. एंटिया ने मेरे साथ खूब सारा मस्ती किया है. हम लोग बॉल बॉल खेल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करिए और मेरे को ज्वाइन करिए. जो डिलीवरी देने वाले हैं या जो डिलीवरी दे चुके हैं, उनको मुझसे मोटिवेशन और टिप्स भी मिल जाएगा. तो गाइज, अभी धीरे धीरे मैं बैक टू नॉर्मल मेरा जो लाइफ है उस पर आने की कोशिश में पूरी लग चुकी हूँ. और टिया को लेके यहाँ पे मैं जा रही हूँ. हालांकि टिया को भी इस वक्त मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसको बहुत ही कम समय दे पाती हूँ. आपको पता ही होगा, एक बेबी आने के बाद जब कोई घर में कोई भी फैमिली मेम्बर ऐड ऑन होता है, तो उसके बाद कितनी मुश्किलें आती हैं मतलब लाइफ को मेंटेन करने में. तो टिया को मैं पूरा समय देना चाहती हूँ, जितना समय वो डिज़र्व करती है. और वो मैं मुझे लगता है कि मैं नहीं दे पाती. तो मैंने ऐसा जो ऑलरेडी दो बच्चों की माँ है उनसे पूछा, तो उन लोगों ने बोला ये स्ट्रगल तुम्हें हमेशा लगा रहेगा और अभी स्टार्ट हो चुका है. स्ट्रगल तुम्हें लगेगा, फर्स्ट बेबी के साथ रहोगे तो लगेगा सेकेंड के पास नहीं हो, सेकेंड के पास रहोगे तो लगेगा फर्स्ट के पास नहीं हो. तो टिया को मैं बॉटल दिलाने ले गई थी, क्योंकि आ चुकी हैं गर्मियाँ और गर्मियों के वजह से ना जो है टिया पानी बहुत कम पी रही है. और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको ना पानी पिलाऊं, है ना, बार बार जो पहले केयर में दे पाती थी. तो ना मैं उसका रिकॉर्ड नहीं रख पाती कि वो 1.5 लीटर पानी पी रही है कि नहीं. तो मैंने बॉटल ले लिया और अब वही सब दिखा रही हूँ, खरीद के आई हूँ. और बॉल से उसके साथ खेली भी हूँ नीचे. लॉलीपॉप उसको बहुत पसंद है, वो दिला दिया था. और हस्बैंड आ गए, उनके साथ वो बहुत मस्ती करती है. मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम मस्ती उसको पापा के साथ में रहती है. और यहाँ पे बाबू का झूला है, उसमें झूल रही है. जब बाबू झूलता है तब वो नहीं झूलती, जब बाबू नहीं झूलता तब वो झूलती है. तो यहाँ पे है बेबी. तो गाइज, मैंने बोला था कि व्लॉग में आप लोग आई नो यही जानना चाहते हो कि बेबी का नाम क्या रखा गया. तो बेबी का नाम है 1 2 3 विराज. यस, हमने विराज नाम रखा. बहुत सारे कमेंट्स आए थे नेम रिलेटेड कि मत चलाओ मोहित फैन, मैं वीडियो में बोल रही हूँ ना क्वालिटी ख़राब हो जाएगी. तो देखो, एक व्लॉगर की लाइफ में ये भी एक स्ट्रगल है. गर्मी में पसीने में वीडियो बना रही हूँ, पर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा क्लिप है. तो विराज नाम रखा गया है बेबी का. और मोहित, तुमने क्या नाम रखा था? मोहित भी एक निक नेम सजेस्ट किया था, आरुष. तो घर पे हम उसको प्यार से आरुष करके खिलाते हैं. और उसका गुड नेम होगा विराज. सो विराज नाम है इसका. और बहुत सारे लोग, आप लोग ने अपना प्यारा प्यारा सजेशन दिया था, लेकिन हमें पंडित जी ने जो अक्षर दिया था उसके हिसाब से घर में बहुत ज़्यादा लोग ये नाम पसंद कर रहे थे. और मेरा बाबू जो है वो मंगलवार को पैदा हुआ है, हनुमान जी का दिन. तो जब हनुमान चालीसा होता है उसमें विराज आता है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये नेम चुना है. तो बताओ आप लोग कमेंट में कैसा नाम लग रहा है, और आगे का ब्लॉग को एंजॉय करो. तो बेबी का नाम आपको पता चल चुका है. तो मैं बस अपने हस्बैंड को वही दिखा रही थी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ. एक्चुअली मम्मी के लिए मैं कॉफ़ी ख़रीद के लाई थी. मम्मी ना कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती है पीने में, तो मैं ना कॉफ़ी उनके लिए लेकर आई हुई थी. और मैं सैशे ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ क्या होता है ना, वो लॉन्ग लास्ट होता है. और 2 रुपये का जो होता है ना, उसमें 2 कप बन जाता है. एक मेजरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है. और वही उनको वहाँ पे बता रही हूँ मैं, कि इसलिए मैं सैशे लाई हूँ. टिया का बॉटल है जो मैं उनको दिखा रही हूँ. मेरे हस्बैंड को मेरा पसंद का बॉटल बहुत अच्छा लगा. हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे विद टिया का बॉटल, क्योंकि टिया का ना बॉटल के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम सिपर ले रहे थे ना, तो वो रबर का सिपर मिल रहा था और टिया उसको दांत से काट दे रही थी और वो वेस्ट हो जा रहा था. तो मुझे ऐसे ही चाहिए था प्लास्टिक का, जो अनब्रेकेबल समथिंग ऐसा कुछ हो.
तो इस वजह से बहुत अच्छा मिल गया हमें। और टिया को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही हूँ, देखो ऐसे ऐसे पीना है। और आगे आपको पता चलेगा कि मैंने ये ब्रेड क्यों ख़रीदा है। यहाँ पे न्यूट्रेला लिया है मैंने, प्रोटीन मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली फ्रॉम न्यूट्रेला। और ये है रागी का आटा जो मैंने लिया है पापा के लिए, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि रागी मैं उनको देना चाहती हूँ, खिलाना चाहती हूँ एक बार। तो यहाँ पे बाबू भी बगल में ही लेटा है, और देख लो पीछे से दादी जी जो है वो अपना काम करके आ रही हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बस बस इतना ही क्लिप आप शूट करो। इसके बाद मैं टिया को पढ़ाने बैठ गई थी। बेसिकली अभी मैं उसे ना कलरिंग सिखा रही हूँ। कलरिंग इसलिए सिखा रही हूँ ना क्योंकि उसके स्कूल की जो टीचर हैं, प्रिंसिपल टीचर, उन्होंने बोला है कि आप इसे पहले ग्रिप दो क्रेयॉन्स का। हालांकि उसे लिखने मतलब जॉइनिंग करने ये सब करने आता है, लाइंस बनाने आता है, बट कलरिंग उसको नहीं आता इतना परफेक्ट। मैंने कभी उसको एक्चुअली ना जब टिया छोटी थी 1.5 साल की, तो मैं उसको कलर देती थी ऐसे स्क्रिबल करने के लिए, बट वो ना खा जाती थी क्योंकि उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी थी। पीका जिसको बोलते हैं ना, अगर आपको पता होगा, तो उसमें बच्चे मिट्टी सीमेंट वगैरह खा लेते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट आती है और वो मैंने किया और वो क्योर हो चुका है। बहुत लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता, तो आई होप कि आपको हेल्पफुल होगा, पता चल जाए अगर आप लोगों को तो डॉक्टर को दिखा लेना। और बहुत सारे लोग तो इससे जूझ रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये ठीक हो जाता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पे टिया पानी का बॉटल जो है उसको एक्सप्लोर कर रही है, कैसे कैसे उसके साथ वो मस्ती कर सकती है। बच्चे जो है ना हर चीज़ अपने मुँह में डालते हैं, जिससे डॉक्टर्स कहते हैं उसका टेक्सचर पता करते हैं। तो टिया यहाँ पे मस्ती वस्ती कर चुकी है, अब यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा व्लॉगिंग करना सिखा रही हूँ कि हाय गाइज बोलो, और वो बोल रही है देखो वेलकम, ये पूरा करती है। जैसे अब वो मुझे देखती है ना, कैमरा ऑन होते ही वो शुरू हो जाती है कि हाय गाइज वेलकम। वो इतनी इंट्रोवर्ट है कि वो बैठ ही नहीं रही थी, पता है, वो बहुत शाई हो रही थी। जैसे मेरे हस्बैंड भी, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा शाई होते हैं। अगर वो कैमरे में तो पहली बात आते नहीं, अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। वैसे ही टिया थी, थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर रही थी, फिर उसको शर्म आ रही थी, भाग जा रही थी। और यहाँ पे वो स्टैचू करी है, उसके मामा ने उसको सिखाया है ये। तो मैं बेसिकली उसको देख रही थी कि कितना ये कैमरे में रह सकती है, मतलब कितना ये वीडियो रिकॉर्ड करवा सकती है एक टाइम पर। मैं पूरी कोशिश कर रही थी। और देखो यहाँ पे मेरे साथ खेल रही है, उसके साथ इंगेज होना पड़ रहा है मुझे, पर ये बहुत शाई है। उस दिन मुझे समझ में आ गया था एंड आई वाज इंजॉइंग दैट फेज। और उसको मैं बार बार लेकर आ रही हूँ, बैठा रही हूँ, बैठो बैठो। और आप लोग सोचोगे मैं नीचे यहाँ क्यों बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड देखो पीछे काम कर रहे हैं, तो उनको ना पूरा दिन हम लोग के साथ टाइम मिलता नहीं है। अभी अगर मैं रूम में चली जाऊँ बच्चे को लेके, दोनों बच्चों को लेके, तो उनको और भी मेरे साथ वक्त नहीं मिलेगा और बच्चों के साथ वक्त नहीं मिलेगा। तो मैं दोनों बच्चों को लेके ना बाबू को पालना में डाल के बच्चे को यहाँ पे बैठा लेती हूँ, तो उन्हें भी हमारी आवाज़ आती रहती है और हम भी एक फैमिली वाला टाइम जो है वो एक साथ निभा पाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको दिखा रही हूँ, ये टिया का फेवरेट सॉन्ग है, एक है आउची आउची करके, उसमें बच्चे को चोट लग जाती है, बूबू सॉन्ग बोलते हैं। तो टिया को हमेशा जब भी चोट लगती है ना, तो वो अपना घुटना और अपना एल्बो ही पकड़ के रोती है। तो यही चीज़ वो यहाँ पे कर रही है, थोड़ा खुल गई है इसलिए ऐसे कर रही है। और इतना मज़ा आ रहा था, मैंने बोला वाह यार ये चीज़ कैप्चर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जब वो बड़ी होगी तो देखेगी, देखो अभी उसने खुद किया। और यहाँ पे अपनी दादी की तरह वो पूजा कर रही है, उसकी दादी माँ ऐसे यही वाला सर पे दुपट्टा रखती हैं और पूजा करती हैं। हालांकि वो पूजा के जगह पे करती है, बट वो यहाँ पे अपने भगवान जी को लेके पूजा कर रही है। उसके पापा भी उसको यहाँ पे सिखा रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, मस्ती करा रहे हैं बेसिकली। तो यार कैसे, देखो टिया अभी तक तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, कैसे करेगी, ये सवाल होते थे मेरे मन में। अब देखो कैसे टाइम फ्लाइज़ राइट। ये उसका ट्यूशन का, जहाँ पे वो पहले स्कूल में पढ़ी जाती थी वहाँ पे अब ट्यूशन में जाती है, तो वहाँ का ये उसका दिसंबर का क्लिप है। देखो कितनी बच्ची सी लग रही है, मासूम सी लग रही है, और अब ऐसा लगता है कितनी बड़ी हो गई है टिया। तो देखो ये टाइम जो है, ये मोमेंट जो है, ये हमेशा कितना बदलता रहता है। और आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये सारी चीज़ें कैप्चर की हैं और मेरे पास है, एंड मैंने सोचा व्लॉग्स में इसको डाल देंगे। तो मतलब आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा कि जब जिसके दो बच्चे होते हैं या फर्स्ट बेबी है, आप सेकंड प्लान नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड तो होगा बट उसके साथ बहुत अच्छी यादें भी बनेंगी। तो जब डेली डिलीवरी ऑलमोस्ट आ गई थी ना, तो मेरी मम्मी आने वाली थी, मेरी सासू आने वाली थी, तो बुआ जी जो मेरी बुआ सास है, उन्होंने भी बोला मैं भी आना चाहती हूँ। और हालाँकि वो रह नहीं पाई थी, मेरी डिलीवरी के एक दिन पहले उनको जाना पड़ गया था क्योंकि वहाँ उनकी जॉइंट फैमिली है। तो वो क्यों चली गई पर्सनल है, वो मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना चाहती। बट हाँ ये है कि उनके आने से
पिया में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, दोनों देखो कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं। बुआ जी उसके साथ दिन भर बात करती थी, दिन भर बोलती थी, यहाँ नमस्ते टिया हो रहा है, नमस्ते बुआ हो रहा है, वो उसको नमस्ते टिया बोल रही है, वो उनको नमस्ते बुआ बोल रही है, और यहाँ पे हो रहा है गुड नाइट टिया, लव यू टिया, यही सब यहाँ पे हो रहा है। मतलब उन्होंने जैसे होता ना छोटे छोटे बूंद से सागर भरता है, तो वैसे टिया को सबने हेल्प किया है उसको ग्रो करने में। हेल्प किया मतलब बेसिकली जैसे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है टिया लाइक हर फादर, तो उसको खोलने में बहुत हेल्प मिला है उसके खुद के फैमिली का, फ्रेंड्स का। एंड इसी वजह से ना हम हमेशा साल भर में एक बार दो बार ट्रिप जो है घर का लगा लेते हैं। तो अब ये क्लिप आप देख रहे हो, मम्मी को हम लोग शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं, ये ट्रेंड्स है हमारे घर के पास है, बहुत अच्छे कलेक्शन है। मतलब एथनिक वेयर में अगर गोवा में मुझे कहीं समझ नहीं आता तो वो यहीं पे आती हूँ मैं। तो आते ही मेरी और मम्मी की नज़र चली गई थी, ये मेरी इस कुर्ते पे गई थी, मम्मी की इस कुर्ते पे गई थी, और वो बहुत खुश हो गई थी कि वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक वो ऐसे गाउन टाइप का ड्रेस ली नहीं थी, तो मेरे कहने पर उन्होंने पहली बार लिया और ये मैंने लिया। और वो और भी ड्रेसेस देख रही थी पर उनको समझ नहीं आ रहा था, होता ना जो चीज़ एक नज़र में पसंद आ जाती है फिर वो उसको रिप्लेस कोई भी और ड्रेस नहीं कर सकता है। तो बस यही वाली बात थी इस ड्रेस के साथ में। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं बेबी को पकड़ी हूँ और मैं उनका क्लिप शूट कर रही हूँ, वो थोड़ा शाई फील कर रही थी, बट ठीक है यार यही सब व्लॉग्स होता है। तो पता है मैं वॉइस ओवर इसीलिए प्रेफर करती हूँ, उस टाइम पे मेरा बोलने का मतलब उस तरह से नहीं हो पाया तो मैं वॉइस ओवर में उसको मैनेज कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से टिया के पापा टिया को पकड़े हैं और वो इतनी खुश है कि यहाँ पे इतने सारे सूट्स हैं, दुपट्टाज है, ड्रेसेस है, बहुत इन्जॉय कर रही है हालांकि। और मैं यहाँ पे कलेक्शन दिखा रही हूँ ट्रेंड्स का, समर कलेक्शन बहुत अच्छा आया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मम्मी ट्रायल करके खड़ी हो गई थी और पूछ रही थी कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। तो ये उन्होंने एल या एक्सएल ऐसा कुछ लिया था साइज़, और उनको ये फिटिंग हो रहा है बहुत अच्छा, वो मुझे पूछ रही थी कैसा लग रहा है, मैंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने लिया था ये वाला ड्रेस, मुझे इतना पसंद आया ना एक बार में, आई डोंट नो वाई मुझे पसंद आया, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसलिए ये ना लेके मैंने वो लिया। बहुत कूल कलर था ना, समर फ्रेंडली, बट मैंने वो ले लिया। और इसके बाद बच्चे को भूख लगी थी तो ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखो कितनी मतलब लाइफ यही है। आप सोचोगे कि हम सिर्फ शॉपिंग करने आए, सिर्फ शॉपिंग करेंगे एंड हैप्पीली, नहीं हैप्पीली ये भी है कि बेबी भी है उसको भी केयर करना है। फिर थोड़ा सा कलेक्शन दिखाया आपको नाइट वेयर का और ड्रेसेस का, और इसके बाद हम चले गए थे शुगर टेस्ट कराने, क्योंकि मम्मी की फास्टिंग वाली शुगर टेस्ट हो चुकी थी मॉर्निंग में, जो मैं नहीं गई थी, बट खाना खाने के दो घंटे बाद वाला जो ब्लड टेस्ट था वो जो है कराना बहुत ज़रूरी था, तो वो करवाने हम गए थे। और टिया देख रही थी कि दादी को सुई लग रहा है, तो वो वहाँ पे बैठ के गा रही थी उई उई उई। तो उसके बाद हम चले गए थे, हस्बैंड ने कहा कि घर चले जाओ तुम लोग आराम करो, हम लोग ने बोला नहीं क्या करेंगे घर जाके, हम लोग को वैसे भी तो घर में रहना ही है, तो हम चले जाते हैं थोड़ा बाहर रहते हैं आपके काम के साथ ही। तो उनको जहाँ काम था हम उस एरिया में आ गए थे, वहाँ उनके पास थोड़ा टाइम था, तो हमने देखा कि मारुति टेम्पल एक नया बना हुआ है जिसकी झांकी निकली हुई थी। तो मम्मी का बस मन कर गया चलो दर्शन करके आते हैं भगवान जी के मंदिर में, तो बिल्कुल वैसे भी जाना चाहिए, बहुत सुंदर मंदिर लग रहा था, तो हम लोग दर्शन करने आ गए और बहुत अच्छा हुआ कि हमने दर्शन किया। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो कह भी रहे थे, बता रहे थे कि ये मंदिर जो है वो बन गया था पर इसका दिशा कुछ गलत हो गया था, तो इसलिए हम वापस से जो है झांकी निकाल रहे हैं और अब जो मंदिर है वो इधर बनेगा जहाँ पे आपने देखा है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे सिस्टम था, पर जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था, मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर मम्मी बता रही थी वो अच्छा होता है जहाँ पे अंदर जाके सुकून फील होता है, शांति लगती है मन को, और लिटरली इस मंदिर में आके वो फीलिंग हमें आई थी। और बाबू का ये फर्स्ट मंदिर का विज़िट था, मतलब फर्स्ट टाइम वो किसी मंदिर अगर गया तो वो मारुति टेम्पल है। और देखो हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं हम सब यहाँ पे, और यहाँ पे साइड साइड में भी छोटे छोटे भगवान हैं, एक तरफ हैं कृष्ण जी एक तरफ है गणेश जी, और वो भी दर्शन कर लिया हमने। उसके बाद काम ख़त्म हुआ हस्बैंड का और हम आ गए गोवा घूमते हुए अपने घर निकल पड़े। तो गोवा में हमारे रास्ते में ये वाला जो चर्च है पड़ता है, क्योंकि हम पैनजिम में रहते हैं और पैनजिम में जो भी आता है उसको पता होगा दोना पावला और ये मैरी मैक्युलेट चर्च, तो ये रास्ते में पड़ता ही है। इसकी सीढ़ियाँ अभी इस तरह से रंग दी गई हैं, बहुत अच्छी लग रही है, पहले आई डोंट रिमेम्बर कैसी थी बट कुछ अलग थी, अभी इस कुछ अलग किया है, टूरिस्ट बहुत आए हैं गर्मी की वजह से। जैसे हम घर पहुँचे तो हम क्या देखते हैं, एक पार्सल आया हुआ है, और मैं सोच रही थी कि ये क्या है मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैंने बोला कि अरे ये क्या है, तो बाथर आ चुका है, और ये किसने भेजा है हमें पता नहीं था।
फिर मम्मी ने बताया कि मैं एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे को जब हम नहलाते हैं तो अभी तक ना मम्मी बच्चे को नहलाती हैं तो मैं पानी डालती हूँ या मैं नहलाती हूँ तो वो पानी डालती हैं, सिंगल हैंडेड हम हैंडल नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये बोला, मंगवाया और उसके बाद ये जो चीज़ आया है, ओ माय गॉड, अमेजिंग है बिल्कुल, और बहुत ही पसंद आया हमें, स्पेशली मुझे, क्योंकि मेरा काम बहुत आसान हो गया और मुझे लग रहा था कि टिया जो है वो जिद करेगी कि मुझे इस पे बैठना है, मुझे इस पे मुझे रहना है, लेकिन नहीं, देखो कितने अच्छे से बगल में बैठी है और भाई उसका सो रहा है, वो वेट करती है कि भाई जब उतरेगा या जब भाई उतर जाएगा तब मैं बैठूंगी, और वो बैठी थी, फिर वो गिर गई तो मैंने बोला ये भाई का है, तो देखो वो उसके पालना में आकर सो गई, क्योंकि यहाँ वो बहुत अच्छे से झूल पाती है और बेचारी अभी आजकल थक जाती है ना, तो आके इसी में झूल खुद को झुला झुला के खुद को सुला देती है। बचपन में ये पालना उसी का था पर वो उसको कभी यूज़ ही नहीं किया, अब यूज़ करिए। इसके बाद हमने रोटी बनाई, डिनर खाया और बस ब्लॉग को यहाँ पे एंड किया। एंजॉय किया तो लाइक कर।